सर मैं आगे बिजनेस करना चाहता हूँ और छोटे लेवल से शुरुआत करके सर काफी बड़े लेवल तक उसे लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, एंड सर जो भी सर आप बुक्स रेकमेंड करते हैं सर वो भी मैं पढ़ता हूँ, और सर मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन किए हुए हैं, बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ सर कैसे करना है। वेरी नाइस जी। जी सर, सर इसके बाद सर ये सब कुछ करने के बाद भी सर मुझे ऐसा थोड़ा डाउट रहता है सर कभी कभी कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। जैसे कि मैं अभी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो सर मैं जो भी बिजनेस के लिए कर सकता हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या और करने की जरूरत है, या मैं गलत कर रहा हूँ सर, वो कैसे देखें सर? जो समझना है ना वो ये है कि सही और गलत कुछ नहीं होता है। आप मेरे से पूछते हो कि भाई बिजनेस को मैं कैसे करूं, और मैं बोलता हूं कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो वो सही है। वो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड अपॉन माय ओन एक्सपीरियंस। आप किसी और एंटरप्रेन्योर से पूछोगे जिसने किसी और फील्ड में कुछ किया है, तो वो आपको कुछ और बोलेगा। तो अब दोनों में से कौन सही है, मैं सही हूं या वो सही है, या जो आप सोच रहे हो वो सही है? हाँ, सभी अपनी अपनी जगह पे ठीक है, या फिर प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि आप बिजनेस कर क्या रहे हो और उस बिजनेस में किस तरीके से प्रैक्टिकली उस काम को या उस बात को अप्लाई किया जाए जिससे कि वो रिजल्ट आए जो रिजल्ट आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। अगर आपकी सेल बढ़ रही है तो जो भी आप कर रहे हो सेल को बढ़ाने के लिए वो सही है। सेल घट रही है या सेल नहीं बढ़ रही है तो वो गलत है। इतना सिंपल है। ओके ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बिजनेस कर रहे हो, मैं उसी से रिलेटेड एग्जांपल देता हूं आपको। सर एक्चुअली मैं अभी करने जा रहा हूं सर फ्यूचर में सर बेकरी बिजनेस करने जा रहा हूं सर, मैं बेकरी लाइन में जाना चाहता हूं। अच्छा, और आपका क्या प्लान है, कैसे करोगे? मतलब अपना बेकरी का आप खोलोगे, आउटलेट खोलोगे, या घर से करोगे, कैसे करोगे बेकरी का? जी सर जैसे कि सर पहले तो मैंने सोचा था कि अपना आउटलेट खोलूंगा, लेकिन सर उसमें सर 8-10 लाख का खर्चा आ रहा था, तो इतने नहीं थे सर, बजट नहीं था, तो सर उसे मैंने रीप्लान किया सर। तो मैंने सोचा कि सर जैसे कि ऑलरेडी जो स्वीट शॉप्स हैं सर, जैसे कि वो अच्छी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सर, मैं उन वहाँ पे सर अपना काउंटर एक रखूंगा, और उसके पीछे सर मेरी अपनी ही एक ब्रांडिंग होगी और मेरा अलग से किचन होगा सर। तो ये तो अच्छा आइडिया है, ये करने से आपको कौन रोक रहा है, मतलब बढ़िया है? नहीं सर, रोक कोई नहीं रहा, लेकिन सर जी सर, तो सर थोड़ी बस कंफ्यूजन रहती है कि सर ये सही भी है या नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। हाँ, अगर आपको पता करना है कि ये सही भी है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा, अपने विजिटिंग कार्ड बनवाने होंगे। मान लो आपके विजिटिंग कार्ड बन गए 200 रुपए में, राइट? फिर आपको जाना होगा और इन स्वीट शॉप से मिलना होगा। अभी आपको अपनी बेकरी शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत लग जाएगा, टाइम भी बहुत लग जाएगा। ऑलरेडी जो बेकरीज हैं उनसे लेकर के आप इनको दे सकते हैं और नाम अपना रख सकते हैं बीच में। सर मैंने वो भी सोचा था। हाँ हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो सर उसमें सर वो क्वालिटी नहीं देंगे सर, जो दूसरी बेकरीज वाले हैं सर, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं देंगे सर। अभी आप एक बेकरी को शुरू कर रहे हो, तो अभी आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे हो सकती है जो 10 साल से काम को कर रहे हैं? वो तो एक्सपर्ट हो गए सर। राइट सर, तो उनकी क्वालिटी आपसे तो बेटर ही होगी ना आज की डेट में भी। जी सर, जी जी। स्टार्टिंग में अगर आप ये करते हो और मार्जिन आपको नहीं भी मिलता है, क्योंकि जिससे आप ले रहे हो उन्हें तो पता ही नहीं आप कहाँ दे रहे हो, आप उनसे ले रहे हो और आगे आप दे रहे हो, तो अगर ये काम चल जाता है तो आप अपनी बेकरी लगा सकते हो। ओके ओके सर, आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट हो जाएगा। 200 रुपए में आपको पता लग जाएगा कि आपका ये मॉडल या ये जो आइडिया है ये सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है। जी, आप ये दे रहे हो, उन्हें थोड़ी पता है कि आप बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, उन्हें कैसे पता? जी, आप समझे? सही बात है सर। तो हमेशा इस तरीके से दिमाग दौड़ाना चाहिए कि किस तरीके से जो भी मेरे माइंड में चल रहा है उसको मैं फटाफट से करके देख सकता हूँ। पता लगा आपने अपने बेकरी के लिए जो भी लेना है वो ले लिया, सामान ले लिया, खुद बना रहे हो और खुद वो क्वालिटी भी नहीं बना पा रहे हो। पहले तो एक क्वालिटी बनाने की टेंशन, प्लस ऊपर से मार्केटिंग की टेंशन। अब यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ उसमें सिर्फ आपको मार्केटिंग की टेंशन है, बनाने का काम किसी और का है, उसका है जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी 10 साल से बना रहा है। उससे लिया और आगे दिया। आपके जो खर्चा हुआ वो सिर्फ 200 रुपए का हुआ, वो जो विजिटिंग कार्ड बनाने का, और अगर किसी ने हाँ बोल दिया तब कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काउंटर बनाने का आपका खर्चा है बस। जी सर, बाकी कुछ करना ही नहीं है, पीछे से आना है, आगे देना है, आगे देना है। ठीक है सर, राइट सर। कैसा लगा आइडिया, ठीक लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। बिजनेस में यही करना होता है, इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा सर। बिजनेस में क्या करना होता है, हर काम को
सिंपल करना होता है, मतलब कि ये सोचना होता है कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं जल्दी से जल्दी टेस्ट करके कैसे देखूं, उसको फटाफट से ट्राई करके कैसे देखूं। अब अगर आपको लॉस हुआ भी तो मान लो ये 200 रुपए के विजिटिंग कार्ड बने, 100 विजिटिंग कार्ड आपके बने, 2 रुपए का एक पड़ा, तो आपको लॉस हुआ भी तो सिर्फ 200 रुपए का हुआ, 200 रुपए का। बस आप 100 जगह पे गए, 100 लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, खत्म। तो आपका क्या गया, 200 रुपए तो गए। और अगर ये काम चल गया तो अपनी बेकरी लगा लो, कौन रोक रहा है। ठीक है सर। जब आप प्रैक्टिकली जाकर के बात करोगे इन शॉप ओनर से, तब आपको पता लगेगा कि आइडिया में कितना दम है। हो सकता है बहुत ही बढ़िया हो ये आइडिया, हो सकता है इसमें दम ना हो। अगर ये नहीं चला तो कोई और आइडिया चलेगा, यही तो है बिजनेस। नहीं तो कोई और आइडिया बना लेंगे सर। जी, दूसरे विजिटिंग कार्ड बनवा लेना 200 रुपए के। जी सर, राइट सर, बिल्कुल सही सर। चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर वेरी मच सर। सर मैं फ्यूचर में सर बिल्कुल आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ सर। अरे नहीं, आप अपने जैसा बनो, बल्कि कुछ ऐसा बनो कि मैं कहूँ कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करके दिखाओ। जी जी जरूर सर। डन जी सर। जी जी, ऑल द बेस्ट।